अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, JPD's किचन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी के साथ नाचनी के पैनकेक। इसे बनाने के लिए हमने 250 ग्राम नाचनी ली है, 100 ग्राम हमने सफ़ेद उड़द की दाल ली है, दोनों को भी हमने 3 घंटे तक भिगो दिया है और 100 ग्राम हमने पनीर लिया है, 2 से 3 चम्मच सॉस लिया है, बारीक कट की हुई हरी मिर्च हमने ली है, दही लिया है, नमक और ऑयल लिया है और सब्जियों में हमने गाजर लिया है, बंद गोभी ली है, स्वीट कॉर्न लिया है, लाल शिमला मिर्च ली है, हरी शिमला मिर्च ली है और पीली शिमला मिर्च ली है। आप चाहे तो अपनी पसंद की सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बेबी कॉर्न ऐड कर सकते हैं या फिर मटर ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड किया जा सकता है इसमें। एकदम बारीक हमें कट करना है इन सभी सब्जियों को। ब्लैक पेपर भी लिया है। अब सबसे पहले हम इस तरह से हमने नाचनी को पानी से निकाल दिया है। देखिए, नाचनी को हम मिक्सर में अच्छे से बारीक कर लेंगे और दाल को भी हम बारीक कर लेंगे। दोनों को हम अलग अलग बारीक करेंगे और फिर इन्हें डोसे का हम जिस तरह से बैटर बनाते हैं बस उसी फॉर्म में इसका भी बैटर हम बना लेंगे और इस बैटर को कम से कम 2 घंटे तक भिगोएंगे। बाद में इसके पैनकेक करेंगे। तो सबसे पहले हम नाचनी को मिक्सर में बारीक करेंगे। दाल को भी हमने बारीक कर लिया है। अभी हम दोनों को मिक्स करके इसका अच्छे से बैटर कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच हमने इसमें दही ऐड किया है। और 1/2 चम्मच ऑयल हमने ऐड किया है। 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। पैनकेक के साथ जो सब्जी खाई जाती है वो हम बनाएंगे। तो हमने पैन में थोड़ा तेल डाला है। तेल में हमने पनीर ऐड किया है। पनीर को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। अब हम फिर से पैन रखेंगे। पैन में हमने फिर से थोड़ा तेल डाला है। सबसे पहले इसमें गाजर ऐड किया है। बाद में हमने हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च तीनों को ऐड कर दिया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। बंद गोभी भी ऐड की है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से तीन मिनट तक इन्हें मिक्स करते रहना है मीडियम गैस पे। बारीक कट की हुई हरी मिर्च हमने इसमें ऐड की है। एक चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। थोड़ी सी हमने इसमें चीनी ऐड की है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर हमने ऐड किया है टेस्ट के लिए। और लास्ट में सॉस हमने इसमें ऐड किया है, 3 से 4 चम्मच टमाटो सॉस। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके इन्हें 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि हमारी जो सब्जियां स्टीम में अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं। अब लास्ट में हमने इसमें पनीर ऐड किया है।
ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए 2 मिनट तक। हमारी सब्ज़ी बन गई है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारे नाचनी का पैनकेक का जो बैटर है उसे 2 घंटे हो गए हैं, तो अब हम इसके पैनकेक बनाएंगे। अब हम पैनकेक बनाएंगे। पैन में हमने तेल लगा लिया है, इस पर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इस तरह से इसे गोल कर लेंगे। देखिए छोटे छोटे हमने पैनकेक बना लिए हैं, इसे भी हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ऊपर से थोड़ा सा तेल डालकर इसे दूसरी बाजू से भी अच्छे से सेक लेंगे। तेल डालकर सेक लेना है दोनों तरफ से। फिर से 1 मिनट के लिए मैंने ढक दिया है ताकि हमारे जो पैनकेक है अच्छे से बन जाए। देखिए कितने अच्छे से हमारे पैनकेक बन गए हैं। आप चाहे तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं या घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पैनकेक बन गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए हमारे पैनकेक और हमारी सब्ज़ी बन गई है, हम इसे सर्व कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है, तो आप बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए ये डिश बना सकते हैं। और इस पैनकेक पे हम थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी डालेंगे और इसे इस तरह से सर्व करेंगे गरम गरम। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।